अबे क्या हुआ? वो मुझे बता हुआ क्या है? को पता ही नहीं था यार, इसने समझा सारे बंदे पीछे हैं, सारे रुक गए हैं, इसने मार दी स्टॉप की, ठीक है ना? हुआ क्या अब इसके पीछे ये इसने मार दिया कट, ठीक है, इसने कट मार के ये भी स्लिप हुआ, ये गिरा, इसके पीछे ये गिरा, बैलेंस आउट हो गया, मतलब तीन चार बंदे गिरे। गाइस ये सुपर लाउड बाइक है, 3000 सीसी में आती आपकी है एंड फोर सिलेंडर पड़ता है आपको, इसमें एरो का एग्जॉस्ट पड़ता है आपको दोनों साइड में। सुपर हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तुम सबका? आई होप तुम सब बढ़िया ही होगे यार। सो गाइज, आज है संडे और संडे को तुम्हें पता है मॉर्निंग राइड्स रहती हैं, मतलब पिछले कुछ टाइम से मॉर्निंग राइड्स वगैरह नहीं कर रहे थे, बट आज फाइनली मॉर्निंग राइड पे जा रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो पे किस किस ने कमेंट्स किए अच्छे अच्छे, उनका नाम मैं लेने वाला हूँ फिलहाल, महराज, शिवी एंड हयात। सो गाइज थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आपके। सो अब मैं आगे से क्या करूँगा ना, आपके कमेंट को लाइक क्रॉप करके ना स्क्रीन पे डाल दिया करूँगा, वैसे ज़रा इजी रहा करें। अच्छा लगा मुझे आपने कमेंट्स वगैरह किए हैं। सो गाइज, और सुपर बाइक की अपडेट दे दूँ तुम्हें, वो हमें एक्चुअली मंडे को पता चलेगा, बिकॉज मैं कुछ प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में। सो चलो देखते हैं, अगर वो प्रोसेस कंप्लीट होता है देन भाई मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगा कि हम बाइक लेने वाले हैं। देन फिर मैं पोल डाल दूंगा कि आपको कौन सी बाइक चाहिए, जब मैं पोल डालूंगा मुझे बता देना गाइज आप कौन सी बाइक चाहिए, फिर हम वही फाइनल करेंगे, बट अभी फिलहाल अंडर प्रोसेस है सीन, तो जब भी वो होता है तो तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल आज संडे राइड है तो अभी चार पाँच बंदे आ चुके हैं, तो इन्हीं के साथ जा रहा हूँ मैं फिलहाल राइड पर। सो आई होप राइड अच्छी रहेगी, हाईवे वाली साइड जा रहे हैं, मतलब संडे राइड मतलब चिल मौसम में जा रहे हैं अभी फिलहाल, दिन में गर्मी होने वाली है ऐसे भी बहुत। सो चलो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो चलो अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट बाइक के ऊपर एंड दिखाते हैं आपको थोड़े से करिश्मे। चलो बंदे मेरा वेट कर रहे हैं, तभी मैं जल्दी हुआ हूँ एंड जल्दी वहाँ पे पहुँचते हैं एंड वहाँ पे आपको मिलाते हैं सबसे कि कौन कौन आ रहा है राइड पे फिलहाल। सो गाइज अभी मुझे भगाने दो थोड़ा सा, ये देख लो गाइज फाइनली सो गया था यार मैं। हेलो सर, क्या हाल है? ठीक हो? हेलो सर, ठीक हो? हेलो सर, ठीक हो? क्या बोल रहे हैं? माँ की किस्म कर। सो गाइस वो देख रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे धुंध पड़ चुकी है बिकॉज सर्दियाँ आने वाली है ना, ये देख रहे हो। सो भाई मजा नहीं, देखो सुबह सुबह एक तो फायदा होता है कि आप जल्दी उठते हो एंड सुबह सुबह इतना सब कुछ सेक्सी देखने को मिलता है, ना ट्रैफिक, ना एक गाड़ी, ना कुछ, सुबह कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है यार। लाइक आप स्टंट्स भी मार सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो, बिकॉज यार कोई किसी को खतरा नहीं है सुबह, समझ रहे हो ना मेरी बात का पॉइंट, समझ रहे हो? किसी को खतरा नहीं। अब ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के हाईवे पे स्टार्ट हो जाओ, नहीं, साइड पे लाइक ले बाई में जाओ एंड सुबह सुबह है, होता ही कौन है यार, ट्रक्स भी नहीं लगे होंगे, तो आज चल के तो भाई मचाते हैं, थोड़ा सा मजा आने वाला है, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। अभी वाले भी सोच रहे थे संडे को भी नहीं, इनको आराम है, संडे को भी जाना है इन्होंने, वो भी सुबह 6 बजे। गाइस आई डोंट नो इन्होंने ये QR वगैरह क्यों नहीं रखा है, चलो जो भी, अब आगे भरवाना पड़ेगा पेट्रोल। गाइस अब तुम्हें बता दूं कि यहाँ के सबसे बड़े लीन पे जाने वाले हैं, मतलब पूरा ऐसे लाइक ऐसे सर्कल वाला लीन आने वाला है, जस्ट तुम चेक करना, देखना तुम्हें दिखाता हूँ, बस खाली होना चाहिए तभी लीन लगेगा, वरना नहीं लगने वाला। पेट्रोल भी फिल, एक्चुअली यार यहाँ पे आई डोंट नो स्कैनर्स क्यों नहीं रखे इन्होंने यार, सिटी वाली साइड तो हर जगह स्कैनर्स है, स्कैनर्स होना ज़रूरी है यार, तुम्हें मतलब आजकल कार्ड शार्ड मुश्किल ही कोई कैरी करता है, मतलब कैश भी। सो चलो अब यहाँ से निकला जाएगा भाई, अब एक बंदे का कार्ड नहीं यूज़ करा, उसको सबने पेटीएम वगैरह कर दिया, तो अब निकलते हैं फिलहाल यहाँ से गाइस, अब मज़ा आने वाला है गाइस। और बंदर आ रहे हैं आज बंदरों की शामत आई है मेरे हाथों से, अभी टच करके आया बंदर एक टनल में, वो देखो मेयर को पता था, एक और मारेगा, मेरे को पता था, देख रहे हो तुम। देखो सब यहाँ पे पहुंच के ना बता रहे हैं कि हम यहाँ आ चुके हैं एंड जितने भी इधर बंदे हैं ना सबको सबके नाक में दम कर दिया इन्होंने, सो रहे होंगे बेचारे शोर मचाया हुआ है सुबह सुबह। तो अभी तुम्हें बता दूंगी कौन कौन आया हुआ है, तो ये देख लो, एक हमारी R15 है द प्रीडेटर गाई,
एक और अनफाइल वनीस ब्लॉग सेक्शन, दिस इज हिमांशु वर्मा एमपी, दिस इज मी धनु, दिस इज सईद आविश और उबी ब्लॉग्स। सो गाइज जाके सबको सब्सक्राइब कर दो। अभी फिलहाल हम यहाँ पे रुके कुछ खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करना है। पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अब चलो चलते हैं, ऐसे भी शोर बहुत मचा दिया इन्होंने, चलो आओ यार। सो गाइज यहाँ पे रुके हुए एंड खाते हैं कुछ पराठा वगैरह। गाइज फाइनली खाना खाना हो गया, अब निकल रहे हैं यहाँ से एंड उठाते हैं अपनी हेलमेट्स वगैरह। सो गई चलो चलते हैं आगे एंड करते अपनी राइड को कंटिन्यू, बिकॉज अब पेट तो फुल है, अब मज़ा आएगा राइड करने में। ऐसे पहले भूख लग रही थी। सो चलो अब तुम्हें बताते हैं, अपनी धनों इधर लगी हुई है। One eternity later. चलो सो गाइस फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से एंड अब यहाँ पे साइड पे जाके थोड़ा संडे स्टंट्स मारेंगे, क्योंकि आज लड़के हमारे पास काफ़ी हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले अगर रोलिंग लेनी है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। और स्पीड कितनी मेंटेन करनी है, ऑलमोस्ट 40, मतलब 30-40 तो रहनी चाहिए यार, बिकॉज थोड़ा रोल लंबा चलता है। देखो गाइस वाह, देख रहे हो गाइस ऐसे मार रहा है आपने, देखो 30-40-50 एंड 1-2-3 पुश हार्ड, ऐसे करना है हार्ड पुश, फिर देन आराम से उतारना है बाइक को, समझ गए ना। क्या सीन है गाइस, पुलिस आ गई यार। क्या हुआ, गाड़ी में पुलिस वाला, पुलिस वाला रोक के गाड़ी में बुलाई से जाने में, अभी जब गाड़ी रुकी तो गया वहां पे, एक ही था क्या, अबे रोक के तो गया थे, मैंने कहा एक ही था क्या। हां A few moments later, अबे क्या हुआ, अबे हुआ क्या, अबे क्या हुआ तेरे को, किसने मारी, वो पागल ही के इधर कौन सी स्टॉपी मारते हैं। अबे पागल मारी किसने, लगी क्या, अबे बिल्कुल प्यार से गिरे यार, अरे भाई मैं तो पीछे से आ रहा था, ये सारे पुट्ठे हुए पड़े आगे। वाह गाइस मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही है, हुआ क्या, ये था क्या गाइस, मुझे समझाओ हुआ क्या है प्लीज, मुझे जानना है गाइस, मुझे जानना है ये हुआ क्या है प्लीज। यार मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैंने देखा ये सारे इस साइड पड़े हुए, 3-4 बाइक्स, हद होती है यार। गाइस इनको रुकाता हूँ आगे चल के एंड सबसे पहले इनसे पूछता हूँ, तुम्हें गिरे कैसे हो, इतना मुझे पता चला है कि स्टॉप ही मारते मारते गिरे ये, और वो भी बीच हाईवे पे, सोच रहे हो तुम, मैं तो डर गया था पीछे से कोई गाड़ी आगे उड़ाना था इनको, इतना पता चला है स्टॉप ही मारी है किसी ने और पीछे से एक दो बंदे उसके बच गए हुए। तो अभी पहले चल के पूछता हूँ इनसे कि कौन किसने स्टॉप ही मारी है और कौन बचा है। मैं स्टोरी से बाहर हूँ, पहले मुझे बताओ हुआ क्या, किसने स्टॉपी मारी, लगी तेरे को, इतनी जोर की ब्रेक मारी है, मुझे बताओ, स्टोरी से बाहर था मैं, पीछे था, मुझे बताओ हुआ क्या है,
पता ही नहीं था यार, इसने समझा सारे बंदे पीछे हैं, सारे रुक गए हैं, इसने मार दी स्टॉपी, ठीक है ना। हुआ क्या, अभी इसके पीछे ये इसने मार दिया कट, ठीक है, इसने कट मार के ये भी स्लिप हुआ, ये गिरा, इसके पीछे ये गिरा, बैलेंस आउट हो गया, मतलब तीन चार बंदे गिरे साथ में, एक ऊपर एक पड़ी हुई, एक बच गया ना, एक कभी गिर गया ना गाइस। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, ये लिखो तुम सब्सक्राइब गाइस, ये था क्या, मतलब बोल रहा है कि एक गिरा, दूसरा गिरा, पीछे से बच के तीसरा गिरा, फिर चौथा गिरा, मगर भाई तुम्हारा स्टोरी से ही बाहर था यार, मेरे को तो पता भी नहीं चला यार, शिट यार। ओए क्लिप है किसी के पास? ओए क्लिप, क्लिप है तेरे पास? क्लिप है, मुझे देना, मुझे देना। सो गाइस देखो यार, अभी सारे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि तूने उठाया नहीं हमको, तूने उठाया नहीं, तुम बताओ मुझे क्या यार, मैं जो जूही पहुंचा ना, ये सब पुठे हुए पड़े थे और ये उठ रहे थे पुठे हो गए, मुझे लगा उठ रहे हैं तो क्या उठाता यार, मैं सारे उठ ही रहे थे। तो अभी का सीन देखो, फिलहाल यहाँ पे नेस्कैफे में रुके हैं, चीज़ अच्छी है ना कि सारे ठीक हैं, और भाई हाईवे के बीच में हुआ, कसम से मेरे को लगा कोई गाड़ी शाड़ी ना ऊपर चढ़ जाए, बिकॉज यार तुम्हें पता है कितना खतरनाक सीन हो सकता था। तो चलो होपफुली सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सबने हेलमेट वगैरह पहनी है, शूज़ वगैरह पहने हैं, जीन्स वगैरह पहने, कोई ट्राउज़र में नहीं है, तो चलो अच्छी बात है कि सब ठीक ठाक ही है। निंजा 1000, तो इसका तो मैं कोल्ड स्टार्ट बता रहा हूँ अभी फिलहाल, ये देख लो गाइस। ओके गाइस, एरो का डुअल सिस्टम एग्जॉस्ट है, इसमें दो एग्जॉस्ट आते हैं। वाह गाइस, ये सुपर लाउड बाइक है, 3000 सीसी में आती है आपकी, है एंड फोर सिलेंडर पड़ता है आपको, इसमें एरो का एग्जॉस्ट पड़ता है आपको दोनों साइड में, और इसका सस्पेंशन भी तुम्हें दिख जाएगा। आपका फोर सिलेंडर आता है और ये स्पोर्ट्स में नहीं आता है, ये एक्चुअली आपका स्पोर्ट्स टूरर आता है, सो बिकॉज इसका आपको हैंडल्स ना अपराइट मिलते हैं, तो जो स्पोर्ट्स होता है उसमें आपका स्टेयरिंग थोड़ा डाउन रहता है और सस्पेंशन का भी सेम रहता है। सो जी 1000 का ये देख लो, डबल आपको डिस्क की असेंबली मिलेगी, ब्रेक की डबल असेंबली मिलती है, ये देखो जो भी आपको लीडर क्लास बाइक्स होंगी ना उसमें आपको डुअल असेंबली मिलेगी, एंड देख लो सिलेंडर्स इसके फोर है, लाइक फोर हेडर्स इसके बाहर आ रहे हैं, वो बात देखिए कभी ऐसी भाई, खतरनाक खतरनाक खतरनाक।